आलोक प्रतिफलन और प्रतिसरण पृथ्वी आम चारिपटे आम अनेक प्रकार वस्तु देखु किंतु अंधार घरे आम कि देखिपुना से अंधार घर को आलोकित करदे घरे वस्तुगुड़ी आम देखिपु ताले कहा जो आम वस्तु को देखिपु दिन में सूर्यालोक आम को देखे कै साधारण वस्तु उपरे आलोक पड़िले वस्तुर पृष्ठरु ताहा प्रतिफलित हुए वस्तुर पृष्ठ भागरु आलोक प्रतिफलित हेले आमे से वस्तुटी को देखिपारु से ही प्रतिफलित आलोक को आम चक्षु ग्रहण कले ताहा जगु आमे देखिपारु आहुरी मध्य एक स्वच्छ माध्यमरे थिबा वस्तु को देखिवे कारण आलोक एहा मध्यरे संचरित होई आम पाखकु आसे आलोक सहित अनेक परिघटना फेनोमेनन जड़ित जमीतिकी दर्पण द्वारा प्रतिबिंब गठन तारा मानकर मिंजी मिंजी आलोक इंद्रधनुर सात वर्ण इत्यादि आलोकर धर्म को विचार कले एही परिघटना गुड़ी को आमे बुझिपारिबा आम चारिपटे घटुवा साधारण घटना को लक्ष्य कले आम जापर जे आलोक सरल रेखा रे गति करे कारण आलोक पथरे अस्वच्छ वस्तु रहिले सेही वस्तुर आकार अनुसार छाया सृष्टि हुए छाईटे या परिघटना आलोकर सरल रैखिक गति को समर्थन करे माने ये घटना द्वारा आम बुझिपु जे आलोक स्ट्रेट लाइन बा सरल रेखा रे गति करी था आलोकर सरल रक्षक गतिपथ को आलोक रश्मि रे ऑफ लाइट द्वारा सूचित करा जाए किंतु हमें पर देखिबा कि आलोक सरल रेखा रे गति कले भी यह अनेक दिगरे बंके जाए जदि गोटे अति क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु आलोकर गतिपथ रे रही जाए तेबे सरल रेखा रे गति करूथिबा आलोक से ही अति क्षुद्र वस्तु पाखरे बांकी जाए यह आलोकर विकीर्णन कहुए डिफ्राक्शन ऑफ लाइट कहुए किंतु आलोकर ही बांकी जीवा प्रक्रिया को आलोकर सरलरैखिक गति तत्व ठीक भावरे बुझाई पारे ना तेणु यह विकीर्णन परिघटना को बुझाइबा पाई आलोक को एक तरंग बोली कल्पना करागला जो आलोक को आम भावितेलु को यह सरलरेखा गति करे स्ट्रेट लाइन रे जाए किंतु परे ताकु तरंग भावरे परिकल्पना करागला विंश शताब्दीर प्रारंभरे पुणी जना पड़िला जे पदार्थ आलोक मध्यरे हेउथिबा पारस्परिक प्रक्रिया को बुझाइबा पाई आलोकर केवल तरंग रूप यथेष्ट नुहे अनेक क्षेत्र रे यहाकु कणिका भावरे बा पार्टिकल भावरे मध्य ग्रहण करागला तेणु मनरे प्रश्न उठिला जे आलोक प्रकृतरे कौन तरंग ना कणिका तो यहाकु बुझाइबारे सक्षम हो पारिथिला मॉडर्न बा आधुनिक क्वांटम थियोरी तो आलोक केवल तरंग नुहे कि केवल कणिका नुहे उभय गुण प्रदर्शन करे तरंग कणिकार तेणु यह आलोकर द्वैत प्रकृति डुआल नेचर ऑफ लाइट बोली कहा जाए।